नमस्कार मित्रों, आप सबको इस नवरात्रि की शुभकामनाएं। हमारे देश में कोरोना वायरस नामक जो बीमारी आई है, मुझे आशा है आप सभी मिलजुल कर उस वायरस से सामना करेंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे संयम से, और आप सब सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, इस अभिलाषा के साथ मैं आपको एक नई वीडियो भेज रहा हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई है, ये भगवती दुर्गा के साबर मंत्र द्वारा यंत्र का निर्माण इसमें बताया गया है, किस प्रकार मंत्र को पढ़ते हुए 16 कोष्टक वाले यंत्र का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः इसमें सामग्री जो यूज होती है वो अष्टगंध की स्याही, भोजपत्र और अनार की कलम से इसका निर्माण करते हैं। उचित समय देख लें, आजकल तो मोबाइल इत्यादि में चौघड़िया देखने की बहुत आसान आसान एप्लीकेशंस आ गई हैं, उनसे देखें। उचित समय में एकांतवास धारण करें, 108 मंत्र और 108 यंत्रों का निर्माण प्रतिदिन क्रमशः 21 या 41 दिन करने से यह यंत्र सिद्ध हो जाता है। विशेष बात का ध्यान रखें, अगर कोई निष्ठा पूर्वक इस यंत्र को सिद्ध कर लेता है तो वो अपना तो अपना दूसरे का भी कल्याण कर सकेगा। विचारणीय बात इसमें ये है कि बड़े ध्यान से इस यंत्र का पूजन किया जाना चाहिए। बाकी सब कुछ मैंने ब्लॉग स्पॉट पे डाल दिया है, इससे लाभ उठाएं। एक बात मैं कहूँगा, अध्यात्म से जुड़िए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, इससे आपका और पूरे समुदाय का कल्याण होगा। और भी अन्यान्य इसके लाभ हैं, वो लाभ मैंने बता दिए। छठ कर्म भी इस यंत्र से होते हैं और छठ कर्म का प्रतिकार भी इस यंत्र से होता है। ईश्वरी का चिंतन करते हुए आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। आप सब घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए सामग्री शायद आपके पास ना हो, तो एक चीज मैं आपको बता दूंगा, लकड़ी की कोई ऐसी पटिया लें जिससे कि आपकी नाभि से ऊंचा स्तर उठे। जब आप यंत्र का निर्माण करें, नाभि से ऊंचा ही रखें। उसके बाद उसका पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि करके यंत्र को धारण करने से आपके जीवन में से सदा सदा के लिए दारिद्र्य चली जाएगी। जिसके ऊपर कोई अभिचारण कर्म हुआ है, बुरी नजर लगी है, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी का कारोबार नहीं चलता, तो उसके दो आयाम होते हैं कि या तो स्थानगत कोई दोष हो या व्यक्तिगत दोष हो। व्यक्तिगत दोष निवृत्ति के लिए यह बहुत उत्तम है। और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। कॉल ना करें, बिना अनुमति के कॉल ना करें। नवरात्रि चल रही है तो मैं फोन पे उपलब्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोरोना वायरस के कारण अपने घर पे नहीं हूँ, दूसरे स्थान पे रुका हुआ हूँ, इसलिए कॉल ना करें, नवरात्रि के बाद कॉल करें।
आशा करता हूं आप इस यंत्र को बनाकर समुदाय का कल्याण करेंगे। हाँ, एक विशेष बात आपसे कहूंगा, अगर भोजपत्र इत्यादि नहीं मिलता, सामान्य साफ कागज जो फोटो पेपर वाला होता है उसके ऊपर 108 यंत्रों का निर्माण प्रतिदिन करें, फिर उसके पीसीस करके टुकड़े करके उसे आटे में आटा गूंथ ले और गोलियों में भरकर मछलियों को डाल दें। अगर आप प्रतिदिन नहीं डाल सकते तो आप अंतिम दिन ये कार्य कर सकते हैं। ईश्वरी का चिंतन करें, आपका कल्याण होगा। आगे आपके लिए और भी वीडियो लाने के लिए तत्पर। एक बात और विशेष है, आप लोग वीडियो तो मेरी देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है। आप लोगों से अपेक्षा रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक बेल है, घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा करता हूं आप सभी इस नामुराद जो बीमारी कोरोना वायरस है उससे आप अपने आप को और अपने परिवार को बचाकर रखेंगे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।